हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के ऊपर क्लर्क से टीयू यानी जीएमजीएस 1 की हम बात कर रहे हैं, जो प्रमोशन के लिए हम बैठेंगे या उसके लिए जो एलिजिबल है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि ये गोल्डन चांस है, नेचुरल सी बात है, गोल्डन चांस है ही हर किसी के लिए, इसमें कुछ बोलना ही नहीं है। इस गोल्डन चांस को ग्रैब करना है, मौका ढूंढना है और इसको ले लेना है। ठीक है, एक चीज और, कॉम्पिटिशन है, इट्स गेम ऑफ कॉम्पिटिशन है ना, हम इसको सीधा से एक ही चीज जानते हैं कि गेम ऑफ कॉम्पिटिशन है और यहां वही जीतेगा जो एक आप बोल सकते हैं डिसिप्लिन्ड तरीके से। ठीक है, जो डिसिप्लिन तरीके से अपना तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, डेडिकेशन है कि हाँ मुझे करना है तो करना है, तो दो चीजें होती है, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, ये दो चीज अगर कमी हो जाएगी तो आप कंपटीशन के बाहर हो जाते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन रखना है, डेडिकेशन करना है और इसके लिए बाकायदा हम लोगों ने कोर्स बना रखा है। ठीक है, जो आपका चाहे आप क्लर्क से टीओ जाते हो या जेएमजीएस 1 के लिए आप जा रहे हो, कोई भी जा रहे हो, लास्ट ईयर हम लोगों ने प्रोग्राम में चालू किया था, लास्ट ईयर जेएमजीएस 1 में मैं तो बोलूंगा ऑलमोस्ट सारों का ही हुआ है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सभी का हुआ है। टीओ के केस में अगर आप आते हैं तो जो हमारे यहाँ लास्ट टाइम इनरोल हुआ था 180 लोगों में से आप ये समझिए 157 के आसपास का रिजल्ट आ गया है, जो मैं समझता हूँ काफी बड़ा। टीओ काफी टफ होता है, ठीक है, ये इसलिए टफ होता है कि यहाँ पे लोग सीआईबी करके भी बैठे हुए और उनका नहीं हो पा रहा है, नहीं निकल पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डिसिप्लिन, डेडिकेटेड और सबसे बड़ी बात है कोर्स पढ़ना कैसे है, सबसे बड़ी बात है कोर्स को प्रिपेयर कैसे करना है, इसी में मार खा जाते हैं वो, प्रिपेयर कैसे करना है इसी में मार खा जाते हैं, और अगर ये चीज नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है। जेएमजीएस 1 में ऑलमोस्ट, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जेएमजीएस 1 में मेरे जितने लोग पढ़े हैं सभी का हुआ है, सभी का हुआ है, क्योंकि ये दो चीज लोगों ने बना के रखा है, सही कोर्स, सही चीज पढ़ना जरूरी, राइट कोर्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कि आपको राइट कोर्स पढ़ना जरूरी, इसलिए हम लोग जो भी प्रोग्राम रहेगा वो डेडिकेटेड रहता है, यानी आप ये बोल सकते हैं कि आप अगर क्लर्क से टीओ कर रहे हो चाहे जेएमजीएस 1 कर रहे हो, सारे का सारी डेडिकेटेड होती है, उसी चीज के लिए पढ़ाया जाता है, जो चीज आप एग्जाम में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकल वीडियोस करवाएंगे आपको। ठीक है, थ्योरेटिकल वीडियोस, उसके बाद हम लोग क्या कराएंगे, आपको आरोहण का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन आंसर, उसके बाद क्या कराएंगे हम आपको, अगर टीओ के केस में जा रही, सिर्फ टीओ में ही होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर वो कराया जाएगा आपको, इतना सब कुछ रहता है कि आपको कुछ करने की बाहर से फालतू की कुछ जरूरत नहीं है, इतना कर लिया तो आप पक्का हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज होता है। अब आइए, प्रोग्राम का नाम क्या है, इस प्रोग्राम का नाम है फेस टू फेस वीडियो लेक्चर कोर्स। और ये सारी चीजें जो होती हैं लेटेस्ट होती हैं, ठीक है, कोई 10 साल पुराने नहीं, लेटेस्ट बनाया रहता है ये, तो सब चीज लेटेस्ट होती हैं। इसको पढ़ने के लिए आपके पास इंटरनेट होना जरूरी है, आप इसको 24/7 एक्सेस कर सकते हैं, ये चीज लाइफ लॉन्ग वैलिड होती है जब तक कि पेपर ना निकल जाए। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात ये कि वीडियोस जब चाहेंगे तब एक्सेस कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग वैलिड, वीडियोस हम लोग पहले से अपलोड कर देते हैं, वीडियोस प्री रिकॉर्डेड रहती है। ओके, चलिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल प्रमोशनल वीडियो कोर्सेज रहेगा, दूसरा क्या रहेगा आपको मैं आरोहण का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कराऊंगा, वो भी 2 साल का, 2 साल का मैं डिस्कशन कराऊंगा, 2 ईयर्स। ठीक है,
2019 का और 2020 का, काफी इतना आपके लिए। फिर नोट्स रहती हैं पीडीएफ में, उसके बाद 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा पीडीएफ में, दस मॉक टेस्ट होगा आपके अकाउंट में। तो इतनी चीजें रहती हैं। थ्योरेटिकल प्रमोशनल वीडियो कोर्सेज, आरोहण क्वेश्चन से डिस्कशन, फिर नोट्स होंगे पीडीएफ में, 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा और 2000 सेट का क्वेश्चन, 10 मॉक टेस्ट होंगी। इसका जो प्राइस है यह 2000 रुपए आपको पे करना है, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप सिंपली कॉल कर सकते हैं 4109685127, दूसरा नंबर है 7827546946। आप वेबसाइट में भी जाके प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। जो हमारा वेबसाइट है वो है www.jaiibcaiibstudymaterial.com। ये सारा इंफॉर्मेशन आप, और इसका एक चीज और, ईमेल आईडी आप ले सकते हैं sidsinha123@gmail.com। ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।